कच्छ जिला के अंजार तालुका के मेघापर बोरीची गांव में हुई 1.5 करोड़ की लागत के पिस्ता की चोरी की घटना में 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। कच्छ जिला के अंजार तालुका के मेघपर बोरीची गांव में बहुचर्चित वैसे 1.5 करोड़ की लागत के पिस्ता की बंदूक की नोक पर लूट की गई थी, जो एक हिस्से में पुलिस ने सगीर सहित 2 शख्सों की गिरफ्तारी की है। लूटे गए वैसे पिस्ता भी रिकवर किए गए, जिसमें लूट में 1.44 करोड़ कीमत के पिस्ता की चोरी की गई थी। पुलिस ने कड़ी तथा देह गांव के गोडाउन से 1.33 करोड़ कीमत के पिस्ता कब्जे में किए हैं। तो वहीं पूर्व कच्छ के 5 पुलिस कर्मचारी की भी ये लूट की घटना में शामिल होने का बाहर आया है, जिस अंतर्गत रेंज IG तथा SP द्वारा निष्पक्ष जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मिली जानकारी के आधार पर पूर्व कच्छ गांधीधाम में अभी तक ये सबसे बड़ी लूट का गुना दर्ज हुआ है। 3 से 4 दिनों पहले अदानी पोर्ट से मुंबई कंटेनर जाने के लिए रवाना हुआ था, जहां अंजार के मेघपर बोरीची के पास अनजान शख्सों ने बंदूक की नोक पर कंटेनर को कब्जे में किया था, तो वही अन्य वाहन में उसे भरा गया था। बाद ड्राइवर का भी अपहरण कर उसे अंजार सूर्या कंपनी रोड के पास उसे छोड़ा गया था। कंटेनर बिन वारिस होने के कारण मीठी रोहर के पास बाद फेंक दिया गया। तो वहीं इस बारे में गौरतलब की बात यह भी है कि ये घटना घटित हुई तब स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी थी। पिस्ता का जत्था अन्य टेम्पो में भी भरा गया था, उस वक्त भी पुलिस हाजिर होने का पता चला था, बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। जहां 5 पुलिस कर्मचारियों की शामिली बाहर आने का होते हुए कच्छ जिला में ये किस्सा टॉक ऑफ द टाउन बना है। આજે 9 તારીખે જે લૂંટનો બનાવ બનેલો છે, જેમાં 1.44 કરોડ 37 હજારના જે પિસ્તા હતા એ પિસ્તાની લૂંટ થયેલ હતી। તે લૂંટના ગમે અમે આજ દિન સુધીમાં તપાસ કરીને કાયદાના સંઘર્ષમાં આવેલા એક કિશોરની અટકાયત કરી છે, અને આ જે ગુનાના મેઇન કોન્સ્પિરેટર છે રિકીરાજસિંહ લખધીરસિંહ સોઢા, એમની પણ અમે ધરપકડ કરીને એમને દિન 7ના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ ઉપર મેળવેલા છે, તથા આ કામે અમે 1.33 કરોડનો મુદ્દામાલ રિકવર કરેલ છે। લૂંટમાં ગયેલ મુદ્દામાલ છે કુલ 1.44 કરોડનો, બાકીનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે, અને આ ગુનાના કામે જે અન્ય આરોપીઓ સંડોવાયેલા છે તેમની પણ ધરપકડ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે। આ જે હાલમાં જે તપાસ ચાલી રહેલ છે એ તપાસ દરમિયાન જે સ્થાનિક પોલીસનું જે ઇન્વોલ્વમેન્ટ આવે છે એ ઇન્વોલ્વમેન્ટ બાબતે પણ અમારા IGP સાહેબ, અમારા SP સાહેબ તરફથી એકદમ નિષ્પક્ષ અને તટસ્થ તપાસ કરી અને જે સંડોવાયેલા પોલીસ કર્મચારીઓ છે એ તમામના વિરુદ્ધમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની અમને સૂચના આપવામાં આવેલી છે, અને તેમની પણ શોધ ચાલુ મળી છે।